हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन दिस ट्यूटोरियल वीडियो। और आज इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो प्रॉब्लम्स का हम जो सीरीज़ बना रहे हैं उसका सेकेंड वीडियो है। ओके, तो इसमें मैं कुछ टाइप्स के प्रॉब्लम आपको बताऊंगा जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे बेस्ड होंगे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें हमें प्रूफ करना है कि ये जो टेन इनवर्स का जो फंक्शन है वो बराबर होगा पाई बाय फोर प्लस वन बाई टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसमें जो एक्स की वैल्यू है वो माइनस वन से वन के बीच में। देखिए, ये जो वैल्यूज़ रहती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। देखिए, इसमें एक्स होना चाहिए वन से छोटा। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ओके, सो नेगेटिव वैल्यूज़ का भी स्क्वायर होगा तो वो भी वन से छोटा होगा अगर ये वैल्यूज़ माइनस वन से वन के बीच में। ओके, सो हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम को पहले समझे। देखिए, जब भी इस टाइप के आपको बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे जहाँ पर अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स या प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स, इस टाइप के दो तीन चार हम प्रॉब्लम देख सकते हैं पूरी बुक में। अब हमें यहाँ पर कुछ सब्सटीट्यूशन यूज़ करने हैं, तो सबसे पहले मैं आपको सब्सटीट्यूशन बता दूँ। तो सब्सटीट्यूशन यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। वन प्लस कॉस टू थीटा ये बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा के, और वन माइनस कॉस टू थीटा ये बराबर होता है टू साइन स्क्वायर थीटा के। सो अगर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस टू थीटा, ओके, सो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि ये दोनों फॉर्मूले मुझे यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। सो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सो हमें यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पर कॉस टू थीटा सब्स्टिट्यूशन लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आसानी से ये फॉर्मूले इसका यूज़ कर पाऊँगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन करा है। ओके, तो हमें प्रॉब्लम जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता पड़ते जाएगा कि किस टाइप के सब्स्टिट्यूशन हमें करने हैं। अभी प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें हमें इन फॉर्मूले के बेस पे ही सब्स्टिट्यूशन करना है। ओके, सो आगे हम इसे सॉल्व करें तो वन प्लस कॉस टू थीटा बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा के। सो हम यहाँ पर इसके रूट में इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा रूट टू कॉस थीटा प्लस हमें यहाँ पर मिलेगा रूट टू साइन थीटा अपॉन रूट टू कॉस थीटा माइनस रूट टू साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर से अंदर जो लिखा हुआ है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम रूट टू कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, सो कॉमन निकालने के बाद हमें यहाँ पर मिलेगा, सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रूट टू आपस में कैंसिल हो गए और फाइनली हमें यह मिलता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब ये इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में से कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं और डिनोमिनेटर से भी कॉस थीटा कॉमन ले लेते, तो हमें यहाँ पर मिलेगा टेन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर से भी कॉस थीटा कॉमन लिया तो हमें यहाँ पर मिला वन माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा। ओके, सो हमें मिला वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। अब ये वाली जब भी टर्म आपके सामने किसी भी प्रॉब्लम में आए तो यहाँ पर जो हम इसको जो फॉर्म देंगे हम वो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ट्राई कर सकते हैं। ओके, अब हमें पता है हमें यहाँ पर एक्चुअल में ये फॉर्मूला बनाना है टेन ऑफ ए प्लस बी का। ओके, जो कि होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ओके, सो हमें पता है कि टेन पाई बाय फोर की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है वन के, तो इस चीज़ का हम फायदा उठा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर इस वन की जगह मैं लिख दूंगा टेन पाई बाय फोर, और यहाँ पर इसके इनटू में वन लिखकर उसकी भी वैल्यू में टेन पाई बाय फोर लिख सकता हूँ। सो फाइनली टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाय फोर
प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन पाई बाई फोर। ओके, इसके आगे हम यहाँ पर इसे सॉल्व करें तो ये फॉर्मूला बन चुका है टेन ए प्लस बी का, तो इसे लिख देंगे हम टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा। ओके, सो फाइनली हमें यहाँ पर मिलेगा पाई बाय फोर प्लस थीटा। ओके, अब हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करनी है। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हमने कंसिडर करा कॉस टू थीटा, और इससे हम लिख सकते हैं कि टू थीटा इज़ इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और थीटा इज़ इक्वल्स टू वन बाई टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो थीटा की ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब जो भी आप सब्सटीट्यूशन करेंगे तो आपको एंड में जाकर उसका रिवर्स सब्सटीट्यूशन करना ज़रूरी है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। सो ये हो जाएगा पाई बाय फोर प्लस थीटा की वैल्यू वन बाय टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम है वो प्रूफ होगा। अब सेम प्रोसीजर से आप ये सेकेंड वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्स की जगह पुट करना है कॉस टू थीटा, और रिवर्स में जब थीटा की आप वैल्यू पुट करेंगे तो टू थीटा बराबर होगा कॉस इनवर्स एक्स के, एंड थीटा इज इक्वल्स टू वन बाय टू कॉस इनवर्स एक्स। ओके, सो ये दोनों प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व करने का प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है। ओके, सो एक ये टाइप था जो अभी मैंने आपको बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम बताता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। अब सेकेंड जो थर्ड जो प्रॉब्लम है वो पहले जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया उसी के जैसा दिखने में है, ठीक है, पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा अलग मेथड यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम वन प्लस साइन एक्स की कुछ वैल्यू पुट करना चाहते हैं। ओके, सो वन की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। ओके, और साइन एक्स को हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करें तो वो हो जाएगा टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू। ओके, सो हम यहाँ पर वन प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से वन माइनस साइन एक्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। ओके, वन माइनस साइन एक्स में वन की जगह कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और माइनस साइन एक्स होगा तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, जो कि ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, अब ये दो फॉर्मूले, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और हम सबको पता होने चाहिए इन सब फॉर्मूले के बारे में कि इन फॉर्मूले को ऐसे मैनिपुलेट करके हमें इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, सो वन प्लस साइन एक्स ये हो जाएगा और वन माइनस साइन एक्स ये हो जाएगा। अगर हम इसका रूट करें तो रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स वो बराबर होगा कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, और रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स वो बराबर होगा कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स की और रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सो रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स वो बराबर होगा कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, और रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स वो बराबर होगा कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। ओके, और डिनोमिनेटर में भी हमें ये वैल्यूज पुट करनी है। सो कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, और यहाँ पर माइनस साइन है सो माइनस हम साइन को कंसिडर करके यहाँ पर कॉस में माइनस आ जाएगा और साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू। ओके, सो न्यूमरेटर में साइन एक्स बाय टू और माइनस साइन एक्स बाय टू कैंसल, डिनोमेटर में कॉस एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू कैंसल, हमें यहाँ पर मिला टेन इनवर्स ऑफ टू साइन एक्स बाय टू अपॉन टू कॉस, सॉरी न्यूमरेटर में हमें टू कॉस एक्स बाय टू मिलेगा और डिनोमेटर में टू साइन एक्स टू कॉस एक्स बाय टू और डिनोमिनेटर में टू साइन एक्स बाय टू। ओके, सो टू से टू कैंसल, यहाँ हमें मिला टेन इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाय टू। ओके, अब कॉट को हमें टेन के टर्म्स में लिखना है, सो टेन इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा टेन पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू। ओके, सो फाइनली इसका आंसर आया पाई बाय टू माइनस एक्स बाय
टू. ओके, सो इस प्रकार से ये जो प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं. अब इसमें कुछ मैनिपुलेशन हो सकते हैं, जैसे ऊपर माइनस हो गया, नीचे प्लस हो गया. ओके, ये कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है. इसमें भी एक दो टाइप के प्रॉब्लम इस प्रकार से बनेंगे. ओके, सो ये सेकेंड टाइप का जो प्रॉब्लम था वो मैंने आपको बताया. सो नेक्स्ट जो टाइप है उसमें हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, मतलब इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, अब ये दोनों जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने में, अगर हम आगे जाके इनको सॉल्व करेंगे, जब मैं आपको मेथड बता दूंगा, ओके, तो ये लगभग एक ही तरीके के जैसे सॉल्व होंगे. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट प्रॉब्लम बताता हूँ. ओके, क्योंकि फर्स्ट प्रॉब्लम के बाद ये सेकेंड वाला प्रॉब्लम थोड़ा इजी हो जाएगा. सो यहाँ पर हम अंदर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हम बी कॉमन निकाल लें. ओके, सो बी कॉमन निकालने के बाद हमें यहाँ पर मिलेगा ए बाय बी प्लस एक्स, और यहाँ पर बी कॉमन निकाला तो 1 माइनस ए बाय बी एक्स. ओके, सो बी और बी कैंसिल हो गया, हमें यहाँ पर मिला टेन इनवर्स ऑफ ए बाय बी प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए बाय बी एक्स. ओके, अब यहाँ पर हम कुछ सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं. ए बाय बी को मान लिया हमने कि ये टेन अल्फ़ा के बराबर है. ठीक है, और एक्स का सब्सटीट्यूशन करा कि वो है टेन थीटा के बराबर. अब एंड में जब हमको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अल्फ़ा की, सो अल्फ़ा हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ ए बाय बी के बराबर, एंड एक्स हो जाएगा, सॉरी एक्स तो हमने सब्सटीट्यूशन में लिया है, तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है. ओके, सो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स के. ओके, सो ए बाई बी की जगह टेन अल्फा और एक्स की जगह टेन थीटा. सो हमें यहाँ पर मिलेगा टेन इनवर्स ऑफ टेन अल्फा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन थीटा. ओके, अब ये फॉर्मूला बन गया है टेन ए प्लस बी का. हम फॉर्मूला देखें तो टेन ए प्लस टेन बी अपन 1 माइनस टेन बी. ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ टेन अल्फा प्लस थीटा. ओके, जिसकी फाइनल वैल्यू आएगी अल्फा प्लस थीटा के बराबर. ओके, फिर एंड में हमें जो हमने सब्सटीट्यूशन करा है उसका हमें रिवर्स सब्सटीट्यूशन करना है. सो अल्फा की जगह लिखेंगे टेन इनवर्स ऑफ ए बाय बी, और थीटा की जगह लिखेंगे टेन इनवर्स ऑफ एक्स. ओके, सो इसका ये जो प्रॉब्लम था इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये है. ओके, सो चलिए अब सेकेंड प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, वो भी इसी प्रकार से सॉल्व होगा और थोड़ा सा इजी प्रॉब्लम है. अब इस सेकेंड प्रॉब्लम में हमें अंदर जो लिखा हुआ है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से बी कॉस थीटा कॉमन निकालना है. ओके, सो अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हमें बी कॉस एक्स कॉमन निकालना है. सो न्यूमरेटर में से भी बी कॉस एक्स कॉमन निकाला और डिनोमिनेटर में से भी बी कॉस एक्स कॉमन निकाला. ओके, सो न्यूमरेटर में बी कॉस एक्स कॉमन निकालने के बाद हमारे पास यहाँ पर बचेगा ए बाय बी प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स. ओके, और डिनोमिनेटर में से बी कॉस एक्स निकालने के बाद यहाँ पर बचा 1, और यहाँ हो जाएगा ए बाय बी साइन एक्स बाय कॉस एक्स. ओके, सो बी कॉस एक्स कैंसल, हमें यहाँ पर मिला टेन इनवर्स ऑफ ए बाय बी प्लस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस, सॉरी यहाँ एक प्रॉब्लम आई, यहाँ पर माइनस साइन आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा. ये गलती से मैंने प्रॉब्लम में माइनस की जगह प्लस लिख दिया था. ओके, सो ये ए बाय बी और साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ये हो गया टेन एक्स. ओके, अब यहाँ पर हमें वापस से वो टेन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बनाना है, तो हम ए बाय बी को वापस से मान लेते हैं टेन अल्फ़ा. ओके, और एंड में हमको अल्फ़ा की जगह पुट करना पड़ेगा टेन इनवर्स ऑफ ए बाय बी. ओके, सो टेन इनवर्स ऑफ टेन अल्फा प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन एक्स. ओके, सो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ टेन अल्फा प्लस एक्स.
और फाइनल वैल्यू होगी अल्फा प्लस एक्स, फिर अल्फा की जगह हम लिखेंगे टेन इनवर्स ऑफ ए बाय बी, सो टेन इनवर्स ऑफ ए बाय बी प्लस एक्स, ये इस प्रॉब्लम का आंसर है। ओके सो ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए, ओके और आई होप दैट ये सब प्रॉब्लम्स आपको काम आएंगे। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, और आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, कलीग के साथ में, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसका जो पार्ट 3 होगा वो भी हम जल्दी रिलीज़ कर देंगे। ओके और आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स की कंप्लेंट आती है कि उन्हें वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो अब तक आप नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक नहीं करोगे तब तक नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। ओके सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।